सुनो एंड्रू। हाँ बोलो भैया। मछली पकड़ने जा रहे हो? हाँ भैया। लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है, देख रहे हो ना? ठीक है भैया, संभल के जाओ। चलो चलो उतरो। चलो चलो जल्दी निकालो, बहुत देर हो गई आज। चाचा नमस्ते, कैसे हैं आप? कौन हो तुम? चाचा मैं सेव्यू हूँ, एंड्रू का बेटा। आपने पहचाना नहीं मुझे? एंड्रू का बेटा है? अभी आया क्या? ये कौन है? तेरी बीवी है? हाँ। तेरी माँ तुझे याद करती है, इस बार उसे अपने साथ लेकर जाना बेटा। चाचा मैं उन्हें हमेशा समझाता हूँ, वो ही मना कर देती हैं। वो पुराने ख्यालात की है, वो तो मना ही करेगी। अच्छा ठीक है, तुम लोग घर पर चलो, मैं शाम को आता हूँ। आराम से उठाना, आराम से ले चलो। क्या रे सेवियो? हाँ दीदी। तू अभी आया? हाँ मैं आ गया। सब कुछ ठीक है ना? अच्छा माँ कहाँ गई है? घर पे ताला लगा हुआ है। अरे हाँ। पता नहीं कहाँ चली गई, यहीं कहीं गई होगी। जब देखो प्रार्थना प्रार्थना, नहीं तो समुंदर को देखते रहती है तेरी माँ। मैंने खुद उसे काफी दिनों से नहीं देखा है बेटा, तुम इंतजार करो आ जाएगी। ठीक है दीदी। अरे नहीं भाई, सुबह से काम करता हूँ। ये पेटी उठाओ। क्या कर रहा तू? कितनी देर से वेट कर रहा हूँ मैं, ताला लगाकर कहाँ चली गई थी तुम? कब से बाहर बैठे हैं हम लोग? माँ तुम अकेले क्यों रहती हो? पड़ोसियों से भी बातचीत नहीं करती हो, और लोग मुझे ताना मारते कि मैं बीवी का गुलाम बन गया हूं और तुम्हारी देखभाल नहीं करता हूं। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? मैं हूं, तुम्हारी ये बहू साथ में है, हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं माँ। माँ शहर में महंगाई बहुत ज्यादा है, शहर में लाइफ मुश्किल है। इसके पिताजी ने मुझसे 10 लाख रुपए देने का वादा किया है, अगर तुम 10-5 लाख रुपए दे दो तो हम शहर के बाहर एक छोटा सा मकान खरीद लेंगे माँ। अब मैं समझी कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इस घर को मैं हरगिज नहीं बेचूंगी, ये बात अपने दिमाग में रख लो। मेरे बाप की प्रॉपर्टी में मेरा भी हक है माँ। तेरे बाप की ही जायदाद है, लेकिन उसके मरने के बाद ही तुझे ये हक मिलेगा। अब इसे बेच देंगे तो हम सब रास्ते पे आ जाएंगे। तुम यहाँ आ जाओ, मैं सब संभाल। तुम क्यों पागलों की तरह बात कर रही हो? चुप कर। मेरा बाप 25 साल पहले समंदर में गया था, अब तक उसकी जल समाधि बन चुकी होगी। वो वापस आएगा, वापस आएगा कहकर मुझे पागल कर दिया तुमने। उनके जिंदा लौटने का कोई चांस नहीं है माँ, मछलियाँ उनकी लाश को अब तक खा चुकी होंगी माँ। कौन कहता है वो मर गए? मेरा मन कहता है वो जिंदा है, वो भगवान के स्वरूप थे, वो जरूर आएंगे, और उनके आने तक मैं इसी घर में रहूंगी। क्या हुआ बेटा? माँ पूरी पागल हो गई है, मेरी बात नहीं सुन रही है। कह रही है कि पिताजी के लौटने के बाद ही घर को बेचेगी। अरे हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़े क्या? तेरे बाप के जाने के बाद उसकी यह हालत हो गई, ऊपर से तेरे दादा दादी को सुनामी ले डूबी। जब से तेरा बाप गायब हुआ है तेरी माँ ऐसे ही रहती है। पूरी पागल हो गई है, अब क्या बोलूं मैं? हाँ पागल हो गई है, प्यार करने वाले पागल ही होते हैं, पर तू ये नहीं समझेगा। माँ घर बेचने के लिए नहीं मानेंगी, जल्दबाजी मत कीजिए। हम लोग गांव चले जाते हैं, वहीं हम कुछ काम कर लेंगे और पैसे कमा लेंगे। देखो 10-20 हजार की बात नहीं है, यहाँ पर लाखों का सवाल है। सुनिए माँ दिखाई नहीं दे रही, आधी रात को कहाँ चली गई? कहाँ चली गई होगी? कितनी अकेली हो गई इतनी रात को।
आपने कभी सोचा भी नहीं मैं आपके बिना क्या करूंगी। आप आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। ये क्या है माँ, यहाँ पर क्यों बैठी है और यहाँ बैठकर इस तरह रो क्यों रही है? साल पहले एक पत्नी ने अपने पति को घर में ही गाड़ दिया और कानो कान किसी को खबर तक नहीं, और पुलिस ने आज इसे गिरफ्तार कर लिया है। रामेश्वरम जिले के टंगाची गांव में एंड्रयू नाम का आदमी 25 साल पहले मर चुका था और उसके पार्थिव शरीर को बिना किसी की खबर दिए ही अपने घर के अंदर गाड़ दिया और इस बात का पता लगाया एंड्रयू और मैरी के बेटे ने, जिसकी उम्र 46 साल बताई जा रही है। पुलिस को शक है कि उसकी हत्या की गई है और इस शक को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी है। अपने घर में पति की लाश को गाड़ने का केस है मैडम। एक्यूज एक क्रिश्चियन लेडी है, आप ही उसको हैंडल कर सकती है मैडम। आप अपने तरीके से हैंडल करिए। उम्र कितनी है? 45 से 50 के बीच होगी। नाम? नैंसी। ठीक है, मैं देखती हूँ। नीचे बैठने की जरूरत नहीं, ऊपर आकर बैठो। सुनो नैंसी, सुन रही हो ना? ऊपर आकर बैठो। बैठ जाओ कुर्सी पर। नैंसी, तुम्हारा पति समुंदर के अंदर मच्छी पकड़ने गया था, वापस लौटा नहीं, ऐसा तुमने क्यों कहा? खामोश रहने से कुछ नहीं होगा, तुम सच बोलोगी तो फाइल क्लोज कर दूंगी, जरूरत पड़े तो तुम्हारे बेटे को भी इस केस में घसीटूंगी। यही तुम्हारा पति एंड्रयू है ना? बोलो, यही है ना? नैंसी, ये बताओ उसे मारा कैसे? खून हो गया। किसने मारा था उसे? मैंने ही मारा उन्हें, मैंने ही मारा उन्हें। कॉन्स्टेबल्स, मैडम जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। उठिए मैम, नैंसी बेहोश हो गई है। रुको, मैं भी एम्बुलेंस को बुलाऊं। जल्दी बुलाओ एम्बुलेंस को। नमस्ते मैम, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, केस को क्लोज करना है, अच्छा रहेगा कि सच बता दो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब मेरे पास कुछ और कहने को नहीं बचा। कहने के लिए बहुत कुछ बचा है। मेरा नाम एग्नेस है, सेलम की रहने वाली हूँ, मैं भी एक क्रिश्चियन फैमिली से हूँ। सच सच बताओ नैंसी, परेशान नहीं करना चाहती, एंड्रयू कहाँ तक पढ़ा था? उन्होंने जिंदगी से पढ़ना सीखा। मैं उनसे मिली उससे पहले वो नशे के गुलाम बन चुके थे। उस वक्त मेरे नेल्सन मामा और मेरी मैरी बुआ उसे बहुत प्यार से संभाल। उठ ना रे बेटा। अरे ए, इसे उठाओ, 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 संभाल कर। सर सर, संभाल कर। कोंकण की हरियाली वादियों के बीचों बीच मेरा छोटा सा गांव था। मैं बस 5 साल की थी तब मेरे माँ बाप गुजर गए। तभी मेरी बड़ी माँ बेनिडा मुझे इस गांव में ले आई।
सिस्टर्स होम में रहकर चर्च का काम संभालती थी। बच्चे और मरीजों के लिए रोज में बेनिडा मदर के साथ प्रेयर में शामिल होती थी। बच्चों और मरीजों के लिए प्रार्थना करना हमारा रोज का काम था। लोग जो भी हमें प्यार से दक्षिणा देते थे वो हम चर्च में अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। सिस्टर, हुँ? चर्च के पैसे माने देने के लिए कहा है। ठीक है। लेके चलो जल्दी। माँ। क्या है? माँ। हाथ कांप रहे हैं माँ। थोड़ी सी पीनी चाहिए बेटा, गांव में सभी पीते हैं, तेरे जैसे नहीं, जब देखो पीता रहता है। पीता है तो पी, लेकिन तू अच्छे से खाया भी कर बेटा, तभी तो बदन तंदुरुस्त रहेगा। माँ हाथ कांप रहे हैं माँ, पैसे दो ना। ए कोई आलतू फालतू दारू मत पीना हाँ, अच्छी वाली दारू पीना हाँ बेटा। हाथ कांपने बंद हो जाए तो तुरंत घर आ जाना, कल जैसे रोड पे पड़े मत रहना, इज्जत चली जाएगी। ठीक है माँ। ए भगवान। ए ये तू क्या कर रही है? तू माँ होकर उसको पीने के लिए पैसा दे रही है? सुनिए आप चुप रहिए, कुछ भी बकते रहते हैं, कोई भी आदत फट से छुड़ाई नहीं जा सकती, ऐसे में जान का खतरा रहता है, बात को धीरे धीरे सुलझाया जा सकता है। ये जूस पीने के लिए पैसे नहीं मांग रहा था, दारू पीने के लिए। तो मैं क्या करूं? बेचारा कह रहा था मेरे हाथ कांप रहे हैं, इसीलिए तो उसका ये हाल मुझसे देखा नहीं गया। मेरी तू जानती है, तू अपने बेटे को बिगाड़ रही है। मछली पकड़ने का काम मैं सालों से कर रहा हूँ, लेकिन कभी भूखा नहीं रहा, और तेरा बेटा दारू पीने के लिए सबके सामने हाथ फैलाता है। वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, समझदार है वो। पता है। ये क्या, रात में ही खरीदा था मैंने इसे, इसका क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसे मैं कहीं भी छुपाता हूँ, जॉनी इसे ढूंढ कर पी लेता है। ए जॉनी, ए रात में क्या किया रे? तूने मेरी दारू पी थी ना? मालिक आप इसको ऐसे क्यों पीट रहे हैं? दारू चोरी से पी थी, इसे ऐसे छोड़ दूंगा क्या? सुधरेगा नहीं कभी है, इसको तो आज सबक सिखा के रहूंगा। ए जेब से पैसे चुराता वो तो ठीक है, लेकिन मेरी दारू को हाथ लगाता ये सब बोलूंगा नहीं मैं, जान से मार दूंगा। एक मिनट, मारो मत, मारो मत, बताता हूं तुझे। रुक रुक, आ जाएगा भाग के। मालिक जाने दीजिए, मारो मत। आज के बाद मेरी दारू को हाथ लगाया ना तो समझ लेना, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। ये तेरा तीसरा ग्लास है एलेक्स, याद रखना। मिला अनीता दीदी, ये लो दो ग्लास दो। मजा आ गया भाई, अरे वो लफड़ा संभाल कर पकड़ो, गिराओ मत। ए जोसेफ, उस कब्र पे मत बैठना। क्यों, ये तुम्हारे रिश्तेदार की कब्र है? अरे वो पीटर पलानी की कब्र है, दारू पीकर जमीन के अंदर बेहोश पड़ा हुआ है, कहीं तेरी बात लेकर फिर से जिंदा हो गया तो। ऐसे ही दारू बेचोगी ना तो एक दिन पूरे गांव की कब्र बन जाएगी। अच्छा ऐसी अफवाह फैलाता है। हे ऊपर वाले, क्यों रे? मैं थोड़े तुम लोगों का हाथ पकड़ के लाती हूँ, दुकान जैसी खोलती हूँ तुम लोग आके खड़े हो जाते हो। तुम्हारी तरह ही वो नारियल वाला भी दुकान खोलता है, कोई वहाँ जाता है क्या? क्या बोलती हो? अच्छा ये बात है, नारियल पानी पीने से सेहत अच्छी होती है, तुम्हारी दारू पीने से सेहत खराब होती है। तुम गाना लिखने वाले हो ना, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। मैं कोई साधारण गाने नहीं लिखता, अच्छी कविताएं लिखता हूँ। ये लो दारू पियो, सुनती हूँ तुम्हारी कविता। सुनो अनीता दीदी, बोलो। आजकल तुम्हारे नाम की चर्चा गांव में बहुत हो रही है। कैसी चर्चा? रात को नशे में हिलते डुलते घर जाती हो ना। बेटा है ना, इसलिए घर में दारू नहीं ले जा सकती, यहीं पीनी पड़ती है, नीचे गिराने की जगह मुंह में गिराती हूँ। जवान लड़का है ना, उसके हाथ में नहीं लगनी चाहिए। वो तो ठीक है, हमें तो बिगाड़ चुकी हो, आने वाली पीढ़ी को तो मत बिगाड़ो। दे मुझे ग्लास, दे मुझे। लगता है बच्चा टेंशन में है, देखो कैसे पी रहा है। क्यों रे, मेरी तो नौकरी चली गई, उसके टेंशन में इसीलिए पीता हूँ, लेकिन तुझे क्या टेंशन है? पीने की वजह से आपकी नौकरी चली गई, ऐसा बोलो ना, फालतू का ज्ञान क्यों दे रहे हो मुझे? सुबह होते इस कब्रिस्तान में आकर बेशर्मों की तरह पीते हो आप, आपको अपने शरीर का जरा भी ख्याल नहीं है। अरे इस गांव में इडली खाकर मरने वाले लोग भी हैं, ये तो पानी है, इससे क्या होने वाला है? चलो चलो साइड में, अरे मुझे भी एक ग्लास बना दो। इसके नाम पर एक और दे दो दीदी। दूसरों के पैसों से फोकट में दारू पीते हो, शर्म नहीं आती आपको? अरे बेवकूफ, खरीद कर पीने के लिए पैसे चाहिए, वो है क्या, जायदाद बेचकर पीने के लिए जायदाद चाहिए, वो भी नहीं है, चोरी करके पीने के लिए जिगर चाहिए, कुछ क्यों, क्योंकि पकड़ा ना जाऊं। एंड्रयू अब और नहीं, संभल के घर जा। जोसेफ भाई इसे भी लेके जाओ। मुझे दारू बेच रही है तू?
भले ही ब्लैक में बेचती है पर दारू अच्छी बेचती है तू। हाँ ये क्या, आते समय तो बहुत कड़क होकर आया था, अब चूहा बन गया। ये तो यहाँ रिश्वत लेने आया है। अरे तू यहाँ क्यों आया? कॉलेज जाना है, पैसे चाहिए माँ। उसके लिए यहाँ तक आ गया, यहाँ नहीं आने का, जा जाना। अच्छा ये बताओ, एंड्रू को हम वहीं छोड़ा है, हमने गलत नहीं किया क्या? अरे उसे कुछ नहीं होगा, वो आराम से घर पहुंच जाएगा, तू चल। इस आदमी को मैंने पहले कहीं देखा है, ये तुम्हारे पहचान वाला तो नहीं है? एंड्रू का बाप आ गया, ये गुस्से में खड़ा है। देखो नीचे गिर जाओगे, सीधा चलो तुम। अगर मैं सीधा होकर चलूंगा तो वो पीछे से आकर पकड़ लेगा, इसीलिए उसे देखते हुए चल रहा हूँ। सीधा चलोगे तो भाग सकते हैं, मेरी उम्र के हिसाब से ठीक नहीं लगेगा, बेइज्जती हो जाएगी। एक काम कर, तू निकल ले, तेरा पीछा करने के बहाने मैं भी निकल लूंगा। अरे काहे की बेइज्जती नहीं है, चल भाग चलो। अरे किधर गया? अरे जल्दी देखो देखो, यहाँ कोई आदमी पड़ा हुआ है, जल्दी देखो, शराब पी के गिर गया, देखो जल्दी। क्या हुआ इसको? भगवान क्या आजकल के बच्चे क्या? अरे कौन है ये? मेरी पहचान का ये, जानते हो क्या? कौन है भाई? भाई उठो भाई, उठो उठो भाई, यहाँ क्यों पड़े हैं भाई? भाई क्या कर रहे हैं आप? आप जैसे लोगों का यहाँ इस तरह पड़े रहना ठीक नहीं है, लोग क्या कहेंगे? आप मेरी बात मानिए और यहाँ से चले जाइए, हाथ जोड़ता हूँ आपके, चले जाइए, लोग देख रहे हैं भाई, जाइए ना यहाँ से। मुझे नींद आ रही है। उठिए भाई, उठिए उठिए भाई। भाई क्या कर रहे हैं आप? जाने दो भाई, भाई जाइए। अपने देश के लोगों को किसी दूसरे देश ने गोली मारी तो हम लोग चुप बैठेंगे क्या? अभी रामेश्वरम में 4 मछुआरों को गोली मार दी, हमारे बीच में एकता नहीं है रे। हमारे यहाँ एक बस ड्राइवर को मारते हैं तो सारे बस ड्राइवर हड़ताल कर देते हैं। पर हमारी क्या गलती है? समंदर के अंदर बॉर्डर थोड़ी बना सकते हैं, किस देश की सीमा कहाँ तक है कैसे पता चलेगा? पानी पर थर्मोकोल डाल देते हैं जो तेज हवा से इधर उधर तैरता रहता है। ये बताओ इस परेशानी का हल होगा भी कि नहीं? कैसे हल होगा? हमारे यहाँ एक भी कानून मछुआरों को लागू नहीं होता, सबने बड़े से समंदर का बंटवारा करके अपने अपने हिस्से में ले लिया है। हम कैसे राजनीति की बात करेंगे? जब कानून मछुआरों पर लागू होगा तो लोग हमारी भी आवाज सुनेंगे, तब तक तेरी और मेरी आवाज लहरों के साथ वापस किनारे तक आ जाएगी। ऐसा अन्याय और किसी देश में नहीं होता है। पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी है, सीमा पार करते बकरे वाले को अरेस्ट करेगा, गोली थोड़े ही मारेगा। चाइना वाले हमारे आदमी को पकड़कर वार्निंग देकर वापस छोड़ देते हैं। उस्मान भाई बातें बड़ी करते हो, पर हमारी मुश्किल में साथ दोगे कि नहीं? तुम सब मिलकर लड़ोगे तो आंदोलन होगा, और हम कुछ लोग मिलकर आवाज उठाएंगे तो आतंकवादी कहलाएंगे। हम शामिल होंगे तो भी गलत, ना होंगे तो भी गलत, ये सोचकर ऐसे छोड़ देंगे क्या? मैं जो बोट बनाता हूँ उस बोट में तू मछली पकड़ता है, और जो तू मछली पकड़ कर लाता है उन्हें मेरे बीवी बच्चे खाते हैं। तेरे लिए मैं बात नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? ये लो वहाँ रखो। और कितनी किश्त बाकी है? 2 किश्तें बाकी है भाई। और 2 किश्त भरो, बाद में बोट ले जाओ। ठीक है भाई, ठीक। इससे पैसे ले लो भाई, याद से लिख के रखो, पैसा मैं नहीं चाहिए। ठीक है। क्या बात है एंड्रयू, 50 रुपए दो ना भाई। धंधा करने की जगह पर दारू नहीं पी के आने का, मार जाओ भाई। 50 रुपए तो मांग रहा हूँ ना, वापस दे दूंगा ना भाई। पीने के लिए उधारी मांगता है, हाथ पर काम कर रहा है ना, चल जा यहाँ से। आपके पास तो बहुत पैसा है, 50 रुपए देने में क्या जाता है भाई? पैसा है तो तुझे देने के लिए क्या? भाई भाई 50 रुपए उस्मान मेरे बेटे के बारे में जानता है ना? बचपन से देखा है तूने उसको, उसके ऊपर हाथ उठाया तूने, क्या सोच के उसको मारा तूने? बोल ना उस्मान, पैसा मांगा तो मना कर देता, हाथ क्यों उठाया? ज्यादा मत बोल। ए, छोड़ रहे, तुमसे लड़के क्या फायदा? अब मेरी ही किस्मत खराब है तो मैं क्या करूं? चलता हूं। भाईजान उसने इतना सुनाया, आपने कुछ बोला नहीं? ये नहीं बोल रहा है, इसके अंदर का बाप बोल रहा है। उठ, अरे उठ, 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 क्या रे?
पीने के बाद किसी की बोट में चढ़ने की हिम्मत नहीं होती है और तू पीने के बाद बोट में सो रहा है यहाँ पर, तेरी इतनी जरूरत? तेरा बाप मेरे पास ही काम करता है, चल बताता हूँ तुझे मैं। चल अरे क्यों मार रहे हो, इतनी हिम्मत हो गई है दारू पी के बोट में सोता है? ठीक से देखने दे, लगता है जोर से काट दिया उसने। ए नेल्सन, जाल नीचे रख, बोला ना नीचे रख, नीचे रखना, जाल को हाथ मत लगाना। तेरे बेटे ने क्या किया पता है? शराब पीकर बोट पर सोया था, अब बोट के बारे में भूल जा, सोचना भी मत। तेरे बेटे को अकल नहीं है क्या? चल भाग। ए पागल, हम लोग तुम्हें काम देते हैं और तुम्हारा बेटा हमारे साथ दारू पीकर मारपीट करता है। ए जाओ यहां से, निकल यहां से, चले आते हैं। नालायक कहीं का दारू पीने के लिए मुझे बचाओ, मांगेगा तू? अरे मेरी बात बोर्ड में जाकर तू सोता है, बचाओ मुझे, जाकर कहीं काम क्यों नहीं करता? सुनिए तो, मत मारिए उसे। क्यों मार रहे हैं? इसलिए कह रही हूँ कहीं और चले जाएंगे। अच्छा खासा काम चल रहा था, वहाँ भी जाकर इसने गड़बड़ कर दी, सब तेरी वजह से। इसको तूने ही बिगाड़ा है। हाँ हाँ, मैं उसे गोद में बिठाकर बोतल से शराब पिलाती हूँ। आज मैं इसको सुधार के ही रहूंगा, तू हट सामने से। क्यों बे, खाली बैठ के ही खाना आता तेरे को? आइंदा मेरे बेटे पे हाथ उठाएंगे ना, डाइवोर्स दे दूंगी, इसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। अब मेरी बात सुन, अब तूने इसको दारू पीने के लिए पैसे दिए तो मैं फांसी लगा लूंगा, तुझे मेरी लाश मिलेगी। ये क्या बोल रहे हैं, हे भगवान, मैं नहीं दूंगी पैसे, तू जा। क्या नेल्सन मामा, घर में झगड़ा हुआ क्या? नहीं, मेरे बेटे के साथ कबड्डी खेल रहा था, चल निकल। हाँ ठीक है। एक बात बता, तेरे पास पैसे हैं क्या? माँ से जो पैसे लिए थे वो सुबह ही खर्च हो गए, गांव वाला कोई देगा नहीं, और इस भगवान से मांगेंगे तो तुरंत मिलेगा नहीं। भगवान से मांगेगा तो कभी नहीं मिलेगा, फादर से मांगेगा तो जरूर मिल जाएगा। माँ को पता चला तो मेरी जान ले लेगी। पैसे उधार ले लेंगे, माँ को पता चलने से पहले चुका देंगे ना। तुझे लगता है वो दे देंगे? फादर हमको कभी मना नहीं करेंगे, इनसे कैसे भी करके डोनेशन लेना, ठीक है? यहाँ देखो फादर, ये नमस्ते फादर। नमस्ते फादर, कौन हो तुम लोग? मैं नेल्सन का बेटा एंड्रू हूँ फादर। मैं जॉनी हूँ फादर। काम क्या है? अपने पापों की माफी मांगने आए हैं फादर। क्या कर दिया? हम पैदाइशी पापी हैं फादर, अब क्या बताऊँ आपको। हिल क्यों रहे हो? हम दोनों ने बहुत पाप किया है, अब जीने की कोई इच्छा नहीं बची फादर, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। पी के आए हो ना? नहीं फादर, चर्च में कोई पीकर आ सकता है क्या फादर? ये आप क्या बोल रहे हो? जाओ जाकर बैठो। ठीक है फादर। मुझे तो लगा था कि फादर मान जाएंगे, ज्यादा मत पूछना और सीधा चल, नहीं तो फादर को शक हो जाएगा, समझा? फालतू बात मत करना। सिस्टर, इन लड़कों से मिलकर आता हूँ। जल्दी से बैठ जा वरना फादर को शक हो जाएगा। हाँ ठीक है। रेडी हो जा। ए जॉनी, तू जरा पीछे बैठ। नहीं फादर, गुनाह मैंने भी किया है, अगर मैं दूर हो जाऊंगा तो सारी माफी ये ले लेगा। शुक्र तू पीछे, ज्यादा एक्टिंग मत कर। क्या है, आपस में फुसफुस कर रहा है? अब तो चुप कर। दरवाजा खटखटाने पर खुलता है और पूछा तो मिलता है, ऐसा बाइबल में लिखा है ना फादर? लिखा है तो फिर हमको 20 रुपया मिल सकता है क्या? सुन, कमिश्नर को फोन करने से पहले भाग जाए यहाँ से। क्या कमिश्नर? फादर ऐसा मत बोलो, हम लोग शरीफ लोग हैं। चल भाई, चल यहाँ से, चल चल चल। प्रभु इन्हें सद्बुद्धि देना। नमस्ते फादर। फादर सुनो नेल्सन, अब कुछ ना कुछ करना ही होगा, तुम्हारा बेटा बहुत बिगड़ गया है, कैसे भी करके उसे संभालो। फादर मैंने उसको बहुत मारा पिटा, समझाया भी, लेकिन वो दारू छोड़ता ही नहीं। बीमारी ठीक करने के लिए हॉस्पिटल है ना, मैं बताता हूँ, वहाँ लेकर जाओ तुम लोग उसे। नशा करना अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी होती है,
वैसे ही जैसे मलेरिया और टाइफाइड। नशा करने वाले जिंदा तो रहते हैं ना फादर, मेरे बेटे को एडमिट करने की जरूरत नहीं। वो माइकल पता है हॉस्पिटल से आकर खूब पी रहा था, खून की उल्टी हुई और मर गया। मेरा बेटा जैसा भी है जिंदा रहे, ये मेरे लिए काफी है फादर। बस आशीर्वाद दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा, ऐसे रहा तो जान भी चली जाएगी। कोई ऐसी बात करता है भला? अब बस आशीर्वाद दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे प्रभु का आशीर्वाद है उसके साथ, लेकिन हॉस्पिटल में उसका इलाज कराना जरूरी है। ये चुप ना, फादर आप जैसा कहेंगे वैसे ही करूंगा। भगवान ने मुझे उस दिन उनसे मिलने का मौका दिया, उस दिन को मैं कभी नहीं भुला सकती हूँ, क्योंकि उस दिन वो मुझसे कुछ मांगने आए थे। ये तो चर्च में काम करने वाली है, चलो बात तो कर लेता हूँ। अरे सुनो, मैं नेल्सन का बेटा एंड्रू हूँ। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मदर मेरी सबको बचाती है लेकिन मुझे छोड़ दिया। भरोसा करने वाले का ऊपर वाला साथ देता है। मैं तो मर मरा कर जी रहा हूँ, वो भी हर रोज। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? माँ की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट किया है। रो मत, भगवान पर भरोसा तो रखो। तुम्हें देखते ही मुझे भरोसा हो चुका है, छोटी सी मदद कर दो। ये डॉक्टर ने दी हुई पर्ची है, दवा के लिए पैसे नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ 85 रुपए हैं, और ये भी चर्च के पैसे हैं। इस चर्च के दान पेटी में मैंने बहुत पैसे डाले हैं, इसलिए तो ऊपर वाले ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। चर्च के पैसे मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अरे तो जान बचाने के तो काम आएंगे ना, तुम फिक्र मत करो, मैं वापस कर दूंगा। मैं किसी को भी धोखा दे सकता हूँ लेकिन ऊपर वाले को धोखा नहीं दूंगा। वापस दे देना। हाँ हाँ, तुहर की दाल और शक्कर खरीद ली? खरीद ली माँ। मेंबर्स लोग से जाकर मिली, चर्च के लिए पैसे दिए थे ना? हाँ माँ दिए है ना, 50 रुपए। ठीक है, चर्च में जाकर हिसाब दे देना, अभी चाय बनाओ। दरअसल माँ। क्या हुआ? वो समंदर के किनारे एक आदमी मिला था, उसने कहा उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। कौन था वो? वो नेल्सन का बेटा एंड्रयू है ना। अरे पागल, वो एक नंबर का बेवड़ा है, दारू के लिए भीख मांगता रहता है, उसे पैसे दे दिए। तुम चाहे कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन उससे पैसे वापस लेकर आओ, नहीं तो घर में मत आना। नहीं नहीं, उसने कल देने का वादा किया है। कल देना, वादे करना, ये सब बेकार की बातें हैं। जाओ उससे पैसे लेकर आओ, जाओ जाओ जल्दी। बेवकूफ लड़की, पैसे लिए बिना मत आना, कितनी नादान है ये। नेल्सन का बेटा एंड्रयू कहाँ मिलेगा? एंड्रयू ऑफिस में होगा, मिल लो। ऑफिस? कब्रिस्तान, वही उसका ऑफिस है। सब मरने के बाद जाते हैं, वो पीने के लिए जाता है। क्या हुआ, उसके जाल में तू भी फंस गई क्या? वो पैसे वैसे नहीं देगा। वही होगा, जाओ ना। सुनिए, क्या हुआ? वो नेल्सन का बेटा एंड्रयू कहाँ मिलेगा? क्यों रे, उसने तुझसे पैसे लिए क्या? हाँ। वो देखो वहाँ पर है, जल्दी जाओ, भाग जाएगा। घर में कोई है? कौन है? चर्च के पैसे तो दे दिए है। नेल्सन के बेटे एंड्रयू का घर यही है? मेरा बेटा है। कितने पैसे लिए है? 50 रुपए, उसने कहा कि आपकी तबीयत खराब है। समझ गई मैं, आज मेरी तबीयत खराब हुई है, कल उसके पिताजी की तबीयत खराब हो जाएगी। ये बेवड़े लोग दारू पीने के लिए कोई भी बहाना बनाकर पैसे ले लेंगे। तुम थोड़ा ठहरो, मैं अभी आई। हर कोई से पैसे ले लेता है ये लड़का, नशे का गुलाम बन गया है ये। यहाँ क्या बताऊँ मेरे बेटे के बारे में, अगर कोई मैयत की खबर लेकर आता है तो उस बंदे से भी ये लड़का पैसे ले लेता है। ये लो। थैंक यू, चलती हूँ। हाँ ए लड़की, डाल दी ना पैसे की आदत, अब तुझे नहीं छोड़ेगा वो। अगली बार पूछेगा ना तो जोर से लाफा मारना, शायद अकल ठिकाने पे आ जाए। अरे रुको, जरा सुनो तो। कल तुम्हारे दिए पैसों से माँ को हॉस्पिटल में भर्ती तो कराया, लेकिन वो ग्लूकोज की बोतल लगानी है तो उसके लिए पैसे तो चाहिए ना। वो भी दे दो, मैं कल पूरे के पूरे दे दूंगा। ग्लूकोज की बोतल का नाम लेकर दारू की बोतल खरीदोगे ना?
तुम्हारी चालाकी समझ में आ गई है, अब मैं तुम्हारी बात में नहीं आऊंगी। हे भगवान, ये बेचारा गलत रास्ते पर जा चुका है, इसे सही रास्ता दिखाओ। इसकी नशे की आदत को दूर करके इसकी जिंदगी बचाओ। मैं इसे आपके हवाले करती हूँ, इसकी सारी बुरी आदतें छुड़ाकर इसे अपना लो। अरे सुनो छोकरी, एक मिनट। जब से तुमने सर पे हाथ रखा है नशा ज्यादा ही हो गया है। एक ग्लास की जगह 3 ग्लास पीता हूँ। अपने हिंदी टीचर से पूछा तो उसने कहा कि मैं तुमसे मिलता रहूँ तो सब ठीक हो जाएगा, इसलिए तुम्हारा पीछा करता हूँ। ए, अब मेरी बात सुनो, मेरा पीछा करना छोड़ दो। अपनी माँ को तड़पाने वाला कभी भी चैन से जी नहीं सकता, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। नहीं नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। वो बंद कर, आराम से ले चला, संभल कर, आराम से चलो, चलो। एक पेशेंट को हैंडल करने नहीं आता, जाल में लपेट कर लाया जाता है क्या? जाओ। पीने के साथ साथ लोग काम तो करते हैं, लेकिन ये पीने के अलावा कुछ नहीं करता है डॉक्टर। पीकर हमेशा रोड पर पड़ा रहता है, कोई होश नहीं रहता उसे। मेरे हाथ कांपते हैं, हमेशा कहता रहता है, क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये एक तरह की आनुवंशिक बीमारी है। टी हाई क्यू नाम का रसायन दिमाग में पैदा होने से ऐसा होता है। दादा से, पिताजी से, माँ से या किसी और रिश्तेदार से यह बीमारी आती है। ये गांव वालों से उधार लेकर शराब पी जाता, मैं क्या करूं? फिर तो होशियार लड़का है। गांव वालों से पैसे वसूल कर दारू पीना भी तो एक कला है। हमारे जैसे लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? ये समझते नहीं है डॉक्टर, मेरा बेटा बहुत होशियार है। उसके पीने की आदत की वजह से उसकी जिंदगी नरक हो जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर? आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं उसकी बीमारी ठीक करके भेजूंगा। ठीक है, ठीक है। नमस्ते डॉक्टर साहब। शुक्रिया, ठीक है, डॉक्टर। एक महीने के बाद आकर ले जाइए। श्याम, नमस्ते। सुधरने के चक्कर में कहीं और खराब ना हो जाए, उसे संभालना। दारू पूछेगा तो दे देना। ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ। धीरे से सुधारो भाई। ए, चलना। पता नहीं ये कब सुधरेंगे। फादर, आपने ठीक नहीं किया, आपने 20 रुपए मांगे थे, वो एंड्रू को कुत्ते की तरह पकड़ कर ले गए। फादर, जॉनी, बड़े लोगों से पंगा नहीं लेते। चुप करो तुम। फादर, अरे मैं पीता हूँ ना, तो क्या गलत किया बोलो? लेकिन आपने जानबूझकर किया। क्यों किया? हम थोड़ा ओवर जरूर पीते हैं, हमारी वजह से उनका घर चलता है, ये नहीं दिखता आपको? जॉनी, फादर, भगवान के आदमी होकर मेरे दोस्त के साथ रात चलवाने शुरू किया। तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता है? फादर, आप तो प्रभु के पुजारी हैं। ये नहीं बोल रहा, इसके अंदर की शराब बोल रही है। फादर, थोड़ी देर में होश आएगा तो सही हो जाएगा। आप जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइएगा, क्योंकि इसके साथ मैं भी पिस जाऊंगा। फादर, मैं आपको अपना फादर समझ के बोल रहा हूँ, मैं अपने दोस्त के बिना नहीं जी पाऊंगा। इतने नशे में भी समझदारी की बात कर रहा है, तू बहुत आगे जाएगा बेटा, चल। एक बात बताओ, ऊपर जो आदमी खड़ा था वो फादर ही था ना? नालायक, फिर से माफी चाहता हूँ फादर। मास्टर जी, ले जाइए इसे। आ, 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 आ,
ए चुपचाप बैठ जा, बोला ना चुपचाप बैठ जा। रुक रुक, वो भाग रहा है ये आदमी, भाग रहा भाग रहा, पकड़ो इसे पकड़ो। अरे भाग रहा पकड़ो पकड़ो भाग रहा, नैन्सी। अच्छा वहां है नैन्सी, 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 ये क्या किया? उसके साथ सो रही है? तुझे बिल्कुल अकल नहीं है क्या? ऐसे कोई सोता है? हे ऊपर वाले, क्या हुआ? क्या कर रहे हो? क्या हुआ? अच्छा क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? हो गया, सो रहे हैं। बस तो क्या हो गया? सावित्री सावित्री कुछ गड़बड़ है, जल्दी आ। क्या कर रहे हैं? हाथ जोड़ रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं ले जाता हूँ, मैं ले जाता हूँ, मैं ले जाता हूँ। आप गलत सोचिए, ये ऐसे नहीं है भैया। चलिए चलिए, यहाँ मत रुकिए आप, प्लीज चलिए चलिए। हे प्रभु, इस लड़की का मैं क्या करूँगा? चलिए तो हिम्मत, पीने के बाद चल चले जाकर लड़की के साथ सोएगा। नहीं छोड़ूंगा तुझे, चलो जान से मार दूंगा। क्या समझता है? नहीं छोड़ूंगा, मारते रहते हो। क्या हुआ बेटा? मुझे बहुत मारा। क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया माँ। किसने कुछ नहीं किया? अरे बेटा बताना, ये तेरा हाल किसने किया? कौन है वो निर्दय? बताना बेटा, बता मुझे। आजा। कोई यकीन नहीं करेगा कि मैं सुधर गया हूँ सर, फिर से मुझे शराबे की नजर से ही देखेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? पहले खुद को पसंद करना सीखो। अगर तुम खुद को पसंद करोगे तो लोग तुम्हें पसंद करेंगे। साफ सुथरे कपड़े पहनो। अगर तुम सबके साथ अच्छा रिश्ता रखोगे तो सब तुम्हें पसंद करेंगे। देखो, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए नए कपड़े भेजे हैं, पहन लो। एक बात का ध्यान रखना, तुमने ट्रीटमेंट ली है, फिर से दारू पियोगे तो संभल नहीं पाओगे। ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है सर। ठीक है ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, नमस्ते। माँ। बेटा, मेरा बेटा। मैं ठीक हो गया माँ, मेरे हाथ भी नहीं कांपते हैं, मैंने पीना छोड़ दिया माँ। तू ठीक हो गया? पता है आज मुझे कितनी खुशी हो रही है।
तू सच में सुधर गया है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। जो लोग तुम्हें शराबी कहते थे, देख लेना बेटा, वो लोग तारीफ करने लगेंगे मेरे बेटे की। सब ऊपर वाले की कृपा है। आजा 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 बेटा। ये सब क्या है नेल्सन भाई? तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है, चिंता मत करो। नैंसी, मैं ठीक हो गया हूँ नैंसी, मेरे हाथ भी कांपना बंद हो गए हैं। शैतान हो तुम, चले जाओ। शैतान हो तुम, चले जाओ। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, मेरे पास बिल्कुल मत आना, चले जाओ। शैतान हो तुम, चले जाओ। शैतान हो तुम, चले जाओ। चार दिन की जिंदगी है, मजे कर ले, मर जाएगा। चार दिन की जिंदगी है। मेरी कविता कैसी लगी? दूसरों की कविताओं को अपनी कविता कहता है, शर्म नहीं आती तुझे? ये तुमको भी पता है क्या? सरकार ने गलती से मुझे पुरस्कार दे दिया, मुझे लिखना नहीं आता। आओ एंड्रयू, हॉस्पिटल से सीधा इधर ही आ गए क्या? तुम दारू को छोड़ दोगे? शैतान लोग हो तुम लोग। अरे आज के बाद गांव में कोई नहीं पिएगा, कोई नहीं पिएगा। अरे चल चलो, भागो 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 भागो, पकड़ लेगा। ए उड़ उड़। शैतान हो तुम, चले जाओ। शैतान हो तुम, चले जाओ। शैतान हो तुम, चले जाओ। हुआ क्या? ऐसे क्यों भाग रहे हो? तुम दारू पीने मत जाना, एंड्रयू को हॉस्पिटल वालों ने ज्यादा गोली खिलाकर पागल कर दिया है। दारू पीने वालों को देखते ही उनकी धुलाई करना शुरू कर देता है। दारू की दुकान से सारे बेवड़े जान बचाकर भाग रहे हैं। ये सब क्या बोल रहे हो? शैतान हो तुम, चले जाओ। शैतान हो तुम, चले जाओ। आप हमेशा वो प्रार्थना गाते हो ना, वो फिर से गाओ। हे मेरे यीशु, तू शक्तिशाली है, मैं तेरी पूजा करूंगा मेरी जान। अरे कोई दूसरी प्रार्थना गाओ ना रे, भक्ति का गाना ही अच्छा रहेगा, प्रार्थना करने से जान बच जाएगी। मेरे यीशु, मेरी प्रार्थना सुनो। चले जाओ मेरे शैतान हो तुम, चले जाओ। उस एंड्रयू को पागल कुत्ते ने काटा है, लगता है हमें काम करने नहीं देगा। सारे गांव वाले उसका तमाशा देख रहे हैं। देखो फिर से शुरू हो गया। हे मेरे ईश्वर, सुबह से लेकर रात तक तीन बोतल दारू पीकर नशे में गांव वालों के साथ झगड़ा करने वाले इस इंसान को अपना कर इसे अच्छा रास्ता दिखा दे मेरे ईश्वर। नशे में धुत इस इंसान को नशे से अगर ऐसे ही चला ना तो पूरा गांव सुधर जाएगा। हमारा क्या कसूर है, हमको ये सुधार रहा है। ए एंड्रयू, उठ यार, दीदी आई है। दीदी, मुझे नहीं पता था कि भाई भी बहुत पियेंगे। वैसे इन्हें पीते हुए मैंने कभी देखा भी नहीं। कंट्री थोड़ी पुरानी हो जाती है तो जहर बन जाती है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया। कोई बात नहीं, अब जरा इनका अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है दीदी, भैया को अब सोने दो, मैं चलता हूँ। एंड्रयू, क्या हुआ दीदी?
मैंने बहुत बहुत पाप किए हैं एंड्रयू। बदन पर पानी डालकर अच्छे से खूब कसकर नहा ले। समंदर में पैदा होकर पानी को देखकर डरता है बेटा। उस मोटू और जोसेफ के साथ दोस्ती मत करना, निकम्मे हैं वो लोग, तुझे बिगाड़ देंगे बेटा। ए, ए सुन तो, बाल्टी अंदर गिर गई। बेनी सिस्टर से बाल्टी निकालने वाली रस्सी लेकर आ, जल्दी जाना बेटा, जाना। अच्छा तो था, पता नहीं ऐसी क्या दवा दी है डॉक्टर ने कि इसे बहुत सुस्ती आ गई है। बेनिटा मदर, बेनिटा मदर, क्या हुआ? बावड़ी में बाल्टी गिर गई है तो उसे निकालने की रस्सी चाहिए। नहीं, इसे हटाओ यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बचाओ, मुझे जानवर से बहुत डर लगता है, वो मुझे काट लेगा। तुम कुछ करो ना। बेनिटा मदर, बावड़ी में बाल्टी गिर गई थी तो बाल्टी निकालने के लिए रस्सी लेने के लिए आया था। क्यों, तुम्हें नहीं पता ये सिस्टर्स होम है, अंदर नहीं आने का, वहीं ठहरो। कुत्ता काट लेता इसलिए इसके पीछे छुप गया, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हें भी अकल नहीं है, सिस्टर्स होम है बोलना चाहिए था ना। बड़ा आया कुत्ते को देख के डरने वाला। ये लो, आते समय अपनी माँ के हाथ में भेज देना। हाँ। नैन्सी, शर्म नाम की चीज नहीं है क्या तुझे? छुड़ा नहीं सकती थी? उसने इतने कस के पकड़ा था, ऐसे जकड़ लिया था, मैं कैसे छुड़ाती? पता है क्या उसमें कितनी ताकत थी? जवान हो गई हो ना, जबान भी बड़ी हो गई। तूने उसको कस के पकड़ लिया? हाँ यार। क्या बात है? ए, तुझे तो बुखार है, हॉस्पिटल चल यार। तू जानता नहीं है, ये जो बुखार है ना, ये दवा से ठीक नहीं होगा, इसे प्यार की दवा चाहिए। बाल्टी निकल नहीं रही है, रस्सी कहीं फंस गई है, यहाँ जा। सभी चर्च के मेंबर्स और यहाँ उपस्थित प्रियजनों, मैं आज आप सभी को एक खुशी की बात बताना चाहता हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आज हम सबके बीच नेल्सन और मैरी का बेटा एंड्रयू डिसूजा नशे से पूरी तरह छुटकारा पाकर हॉस्पिटल से सही सलामत लौट आया है। हम प्रभु से उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो हमेशा ऐसा ही रहे। अगर हर इंसान ऐसा ही हो जाए तो ये धरती स्वर्ग हो जाएगी। एंड्रयू, हे, क्या बात है? हैं? कब्र की सफाई बड़े जोर शोर से हो रही है। इस जगह को साफ करके मैं अपने पाप कम कर रहा हूँ। हमारे जो बुजुर्ग जा चुके हैं वो यहाँ आराम से सो रहे हैं। मैंने यहाँ बहुत गलत काम किए हैं, इसलिए मैं अपना प्रायश्चित कर रहा हूँ फादर। है, तुम सुधर गए, यही तुम्हारा प्रायश्चित है। लेकिन कुछ लोग हैं जो मुझे अब तक नहीं समझते फादर। तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, सभी लोग समझ जाएंगे, फिर तुम्हारा साथ देंगे, ठीक है? सुनो भाई, तुम जो कुछ भी कह रहे हो ना, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सुना है उस एंड्रयू के लिए चर्च में स्पेशल प्रार्थना होगी। अरे कुछ नहीं होगा, सुधरने वाला नहीं है वो बेवड़ा, फिर से दारू पीना शुरू करेगा वो, मैं बोल रहा हूँ। देखना, फिर से दारू पीकर सड़क पर पड़ा हुआ मिलेगा, लिख कर देता हूँ। तुम जानती हो ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जानती हूँ। तो फिर मुझसे से दूर क्यों भागती हो? सोच रही हूँ कि तुम मेरे पीछे कब तक आओगे। मैं समझा नहीं। बात समझ में आती तो मेरा पीछा थोड़ी करते, मेरी माँ से जाकर बात कर चुके होते। ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा। हे, तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल भी आ गया? देखो नैन्सी, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई होती तो यहाँ पर मेरी एक कब्र बन चुकी होती। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, हम शादी कर लेंगे। तुम हाँ कहो तो मैं कल ही आकर तुम्हारी माँ से बात करता हूँ। ठीक है। उस दिन उन्होंने बहुत हिम्मत से मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। मैं बहुत खुश थी, मुझे लगा वो मेरी माँ से मेरा हाथ मांगने आ रहे हैं।
लेकिन उस दिन कुछ और ही हुआ जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। एंड्रू के अच्छे जीवन के लिए आज हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। अब आप सब लोग जाइए, खाना खाइए। हाँ यहाँ बैठिए, बैठे ना। मेरी बात सुनो, उधर साइड में जरा, उधर पानी चला ना, सब्जी लेकर आओ। इधर बस अभी ये वाली रोक खाने जाएगी। नमस्ते फादर। अरे जॉनी, तूने शराब छोड़ी कि नहीं? वैसे तो मैंने छोड़ दी है फादर, बस अंडे को ही पीता हूँ। तो सुध रहेगा नहीं। अरे ये दावत किसने दी है? अरे खाने का भी हो, खाना मिल रहा है ना। आ बैठ, शर्मा मत ज्यादा। आगे जगह है ना, वहां चलकर बैठे बैठे। अरे हम भी बैठे हैं यहाँ, जल्दी से खाना परोसो हमें। क्यों नहीं? अरे क्या कर रहे हो, जल्दी लाओ। तू यहाँ पर मेरी इतने ही आ गया, तू यहाँ पर भी घुसाया मेरे बेटी को, हैं? तुझे छोड़ने का नहीं, कैसे आ गया तू? तू हर जगह पर छोड़ मुझे। ये क्या तमाशा मचा रखा है तुमने? किसको अंदर बुलाना है, किसको बाहर रखना है, इसका फैसला मैं करता हूँ, तुम नहीं। तुम बीच में मत कूदो। अरे आप नहीं जानते फादर, ये कितना घिरा हुआ और चरित्रहीन है। कुछ ही दिन पहले हमारे चर्च में एक लड़की के साथ सोया हुआ था। बेकार में शक मत करो प्रकाश, हार की जगह से मैं तुम्हें जिताऊंगा, ऐसा प्रभु कहते हैं। लाचार लोगों को तकलीफ मत दो। इतना ही नहीं, वो नैन्सी से शादी करने वाला है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैरी, नेल्सन, आपको इन दोनों की शादी मंजूर है? फादर, आपने मेरे बेटे को इंसान बनाया, उसका अच्छा बुरा आप जानते हैं, जैसी आपकी इच्छा। मुझे ये शादी करवाकर बहुत खुशी होगी। आप क्या कहती हैं सिस्टर? ये लड़का क्या जानता है और ये क्या कमाता है? खुद की कमाई एक पैसा तक नहीं। शादी के बाद मेरी बेटी को भीख मांगने के लिए छोड़ देगा। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम। मुझे माफ कर दो, सब लोग माफ कर दो। मैं एक अनाथ हूँ, लेकिन मेरी बेटी के लिए मैं हूँ। अगर कोई लूला लंगड़ा हो तो भी चलेगा, लेकिन एक बेवड़े और भीख मांगने वाले से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। पीने वालों का कोई भरोसा नहीं, माफ करो। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ सिस्टर, आपके सवालों का जवाब एंड्रू ही दे सकता है। यार बचपन से मुझे काम पे जाने की आदत नहीं है, क्या करूं मैं? मैं भी वही सोच रहा हूँ यार। सारी इन्फॉर्मेशन आज हमें मिल जाएगी, सबको इन्फॉर्म कर दो। नमस्ते मैडम। मैडम आपसे कुछ बात करनी थी, मुझे मेरी माँ के लिए जमानत कौन चाहिए। जमानत देने वाला है? मैं। तूने ही अपनी माँ को फंसाया है ना, अब खुद जमानत देने आया है। वो सब पिताजी के लिए किया मैंने, लेकिन अब मुझे माँ के लिए करना है। और एक दिन की पूछताछ बाकी है, कल तक खत्म हो जाएगी। ठीक है मैडम। माँ आप कैसी हैं? वो ठीक है। नैन्सी, कुछ खाया तुमने? नींद अच्छे से आई? जमानत के लिए तुम्हारा बेटा आया था, बोल रहा था बेटे का फर्ज निभाने आया हूं। उसे देखने से लगता है वो अच्छा इंसान है। ठीक उसके बाप की तरह। अब सिर्फ तुम उनकी मौत के बारे में पूछ रही हूं, उनका जन्म कैसे हुआ ये नहीं जाना तुम्हें? सुना है इस साल चर्च की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अरे छोड़ो यार, चर्च कमेटी वालों ने मेरे नाम की घोषणा की है। आज मछलियां किस तरफ ज्यादा मिलेंगी? दक्षिण की ओर। मेरे ससुर नेल्सन और उनके दोस्त इब्राहिम दोनों मछली पकड़ने के लिए एक दिन समंदर गए थे। वहां उन्हें एक श्रीलंका की बोट देखी जिसमें एक छोटा सा बच्चा जिंदा रह गया था। उसके माँ बाप को गोलीबारी में मारा गया था।
जो बिल्कुल बेसहारा था और मदद के लिए रो रहा था। ए, ये तो श्रीलंका की बोट लग रही है, उसमें लाश भी पड़ी हुई है। ए नेल्सन, इसको लेकर यहाँ क्यों आया? अगर पुलिस पूछेगी तो क्या जवाब देगा? हाँ, इसको यहीं छोड़ दे और चल। ए, कुछ भी होगा मैं देख लूंगा, मासूम बच्चा है, इसको कैसे छोड़ दूं? नीम के झाड़ के छांव में कोई पौधा खिलेगा नहीं। मेरे बेटे को मैंने ज्यादा प्यार देकर बिगाड़ दिया है, उसे अकेले छोड़ दो तब सुधरेगा ये। मैंने उसे बहुत समझाया, सुनेगा फिर से दारू पीने लगेगा। अब वो तेरी वजह से सुधर गया है, इसीलिए सारी बातें तुझे बता रही हूँ। नैन्सी, तुम उससे शादी करने वाली हो ना, इसीलिए सारी सच्चाई तुझे बताना जरूरी है। मैं हार गया बेटी, मैं उसे मेरी तरह बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मेरा सपना सपना ही रह गया। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा उसे बनाकर यहाँ लेकर आऊं। आजकल के बच्चे कहाँ माँ बाप की बातें मानते हैं, तुम जैसे जवान लड़कियों की बातें तुरंत मानते हैं। जीती रहो मेरी बेटी, मुझे पूरी उम्मीद है मेरा बेटा सुधर जाएगा। मेरी माँ की बातों को गलत मत समझना, भगवान ने हमारी जोड़ी बनाई है। तुम्हारे पिताजी से मिलकर आई, वो चाहते हैं तुम समंदर में जाके मछली पकड़ो। कहीं और जाकर काम करोगे तो नौकर कहलाओगे, मगर खुद मछली पकड़ोगे तो तुम किसी के नौकर नहीं खुद के मालिक होगे। मैं तुम्हें मालिक के रूप में देखना चाहती हूँ। पिछले 18 सालों से अनाथ बनकर चर्च में रह रही हूँ, अब मुझे अपने घर ले चलो। मुझे भरोसा है कि तुम मेरी बात मानोगे। समंदर में जाकर मछली पकड़ना शुरू कर दो। मैंने आज तक भगवान से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तुमसे मांग रही हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी और तेज़ कमाना। अरे जल्दी, समंदर में काम करना चाहता हूँ। क्या कहा? समंदर में शराब का अड्डा समझा है क्या? जाके अपना काम कर, चल जा, तुझसे नहीं होगा। अब्राहम अंकल, मुझे समंदर में काम करने दीजिए, आप कोई भी काम देंगे मैं करूंगा। मछलियों की जू निकालने का काम है, करोगे क्या? ए, मछलियां कैसे पकड़ी जाती है तुझे पता है? नहीं पता तो जाकर बाप से पूछ, वो तुझे बताएगा। संतोष भाई, आप मेरी मदद करो ना भाई। ए एंड्रयू, जमीन पर तो खड़ा नहीं हो पाता है, समंदर में क्या जाएगा तू? एक काम कर, तू वो वहां देख रहा है ना, जरा जाकर उसके ऊपर खड़े होकर मुझे दिखा, तुझे ले चलूंगा अपने साथ। ए भाई, तुम चुप रहो, बेकार की बात मत करो। ए तू जा यहाँ से, जा जाना जा। रखवार रखवार, और जोर से खींचना रे, रख दो। हाँ, और जोर से।
ए, चिंता करने की कोई बात नहीं है, अरे मैं हूं ना, मैटर को संभाल लूंगा, आजा। ए संतोष भाई, कैसे हो यार? ये मेरा दोस्त है, इसको भी कुछ काम वाम सिखा दो ना। ए भाग यहां से, बोला ना भाई यहां से। गुस्सा क्यों हो रहे हो? आपको भाई समझकर मैंने बोला, भाई की तो कोई इज्जत ही नहीं है। भाई मैं भी समंदर में आऊंगा, चाहो तो उस लकड़े पर खड़ा होकर दिखाऊं। बोलो दिखाऊं क्या? एंड्रयू इधर आ, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। हमारे अलावा यहाँ के समंदर में किसी को भी जाना मना है, कोई नहीं जा सकता। तू कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, ये सारे गांव वाले जानते हैं। भाई मैं बचपन से यहीं रह रहा हूँ, तो अलग नजर से क्यों देखते हो मुझे? मुझे काम दो, मैं करूँगा। तेरी बात समझ रहा हूँ मैं, लेकिन तुझसे नहीं होगा। यहाँ का काम ही कुछ ऐसा है, ना ही तू जाल पकड़ पाएगा और ना बोट में खड़े हो पाएगा। किसी से भी पूछ ले, तुझे कोई भी अपने साथ काम पर नहीं रखेगा। दोस्ती और धंधा अलग अलग होता है, समझ गया? ए एंड्रयू, घर नहीं जाना क्या? यहाँ लेटकर सोचने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। मेरी बात मान, इस काम को भूल जा, कोई फायदा नहीं है। नैन्सी की माँ ने बोला कि तू पैसे कमा, तो किसी और काम से कमा लेना, जरूरी है समंदर में जाकर कमाना। ए मेरी चिंता वो नहीं है, चाहो तो नैन्सी को भगा कर शादी कर लूं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा। नैन्सी कहती है कि मैं समंदर में काम करके पैसे कमाऊं। मेरी बात तू मानने वाला है नहीं, बटन दबाओ तो बल्ब जलता है, और तेरा बटन वो नैन्सी है, तेरा तो कुछ नहीं होने वाला, वो तुझे पागल बना के मानेगी। मैं भी देखता हूं कौन रोकता है मुझे, मैं समंदर में जाऊंगा मतलब जाऊंगा, और मछलियां भी पकड़ूंगा, बहुत दम है मुझ में। ये जल्दी पागल होने वाला है और मुझे भी मरवाएगा। अबे डरपोक इधर आ। देख एंड्रयू, मैं डरकर भागने वालों में से नहीं हूं यार, दोस्त के लिए जान भी दे सकता हूं। इस हाथ से हमने दारू की गिलास पकड़ी है, लेकिन वो लोग ना इन्हीं हाथों से नाव बनाते हैं, उनके मजबूत हाथों से पिटने के बाद हम उठ नहीं पाएंगे। मैं सच कह रहा हूँ यार, उन लोगों से दुश्मनी लेना ना हमारे बस की बात नहीं है। मैं चलता हूँ यार। मैं कसम खाता हूँ, ठीक से सुन ले, एक तो लाश बनकर पड़ा रहूंगा या फिर समंदर में जाकर मछली पकड़ूंगा। कहाँ गया मेरा बेटा? नहीं तो फादर से कहकर तुझे भी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दूंगी। हाँ करा दो करा दो, तेरे बेटे की तरह बेवड़ा नहीं हूँ मैं। हाँ मैं जब भी पीता हूँ लिमिट में पीता हूँ। ए मेंढक जल्दी बोल, वो कहाँ पे है तू अच्छी तरह से जानता है, बता दे नहीं तो पट्टे से मारूंगा। अंकल भूख लग रही है मुझे, जाने दो ना, दो दिन से वैसे भी मैंने खाना नहीं खाया है। आप दोनों मिलकर एक बच्चे की जान लेना चाहते हो ना, मारो मुझे। अरे कितनी बड़ी मछली मछली देखो तू, कितनी बड़ी मछली फंस गई है। बड़ी बड़ी है आज इसकी लॉटरी लग गई है। एंड्रयू तेरे बच्चे, क्या बात है मेरे शेर, इतनी बड़ी मछली आराम से कमाल कर दिया। मोटू नीचे रख, इतनी बड़ी मछली। ठीक कहा आपने, ऐसी मछली आज तक किसी ने ना कभी पकड़ी भी नहीं होगी। ये सुनकर गांव वाले हैरान हो जाएंगे, 30 किलो से भी ज्यादा होगी ये मछली। गांव में सब लोग तुम्हारे मछली पकड़ने के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे पकड़ी? जाल बिछाया था। हाँ लेकिन मैं दूसरे जाल में फंस गया। हाँ हाँ समझ गई मैं, अपने जाल को समंदर में ही डालो, मैं नहीं फंसने वाली। अरे अब तक सूखी नहीं, अरे उधर डालो ना। इतना समझाने के बाद भी वो हमारी बोट लेकर समंदर में गया, उसकी ये हिम्मत। ए, बोट क्यों लेकर गया था? समंदर में जाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं समंदर में जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ए, ऊपर से ये जबान लड़ा रहा है, इसकी तो मैं जान ले लूंगा। ए, हाथ दिखाएगा हमें? ए, छोड़ना मत। अरे आ
ले चलो इसको, पंचायत में फैसला होगा। शांत हो जाइए, मुझे छोड़ना नहीं, मैं बात करने के लिए गुस्सा होने से झगड़ा करने से बात नहीं सुलझती है। पहले बैठिए आप लोग, बैठिए चलिए बैठिए, सब लोग बैठ जाइए अपनी जगह। ए नेल्सन, ये हमारे धर्म का है क्या? ये कौन है, कहाँ से आया, किस धर्म का है, गांव वाले नहीं जानते, लेकिन फादर तो जानते हैं ना। ये क्या कहना चाहता है तू? एंड्रू इस गांव का लड़का नहीं है क्या? भले ही उसने इस गांव का दूध नहीं पिया, लेकिन मेरी दारू पी के बड़ा हुआ है। ये दारू बेचने वाली बोलती है ये इसी गांव का लड़का है, समुंदर में जाने का इसको पूरा हक है। ए, कोई नहीं रोकेगा उसे। एंड्रू, तू मछुआरा नहीं है ऐसा इनका कहना है। पूरे हिंदुस्तान में एक परंपरा मानी जाती है कि सिर्फ मछुआरा ही मछली पकड़ सकता है। इसने मेरी बोट कैसे छुई? लावारिस कहीं का। ए संतोष, लावारिस किसे बोल रहा है तू? समुद्र के उस पार से आया है तो लावारिस हो गया क्या? ये हमारा ही खून है, हमारे धर्म का है। हथियार लेकर आया, तुझे किसने अंदर आने दिया? ए समुद्र ने हम दोनों को अलग नहीं किया है, बल्कि लहरों ने हम दोनों को आपस में मिलाया है। समुद्र में मिला है तो हम उसे वापस समुद्र में फेंक देंगे? हमारे ऊपर भरोसा करके हमारे साथ रह रहा है, हम ही इसके परिवार हैं। अगर उससे कोई गलती होती है तो हम उसे अधिकार के साथ डांट सकते हैं, लेकिन हम उससे नफरत नहीं कर सकते। तुम लोगों के लिए ये मुझे समुद्र में मिला था ना, लेकिन ये भगवान से मिला हुआ मुझे एक तोहफा है। इसके माँ बाप कौन है हम नहीं जानते, हो सकता मछुआरे का ही बेटा हो। ये हरगिज नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? समुंदर में मरे हुए लोग उठकर तुमसे बोले थे क्या? तू कैसे कह सकता है कि ये मछुआरा नहीं है? इनके सवाल का ठीक से जवाब दे। ये क्या, सभा में औरत बात करेगी और हम सब तमाशा देखेंगे? ए, औरत नहीं बोल सकती, ऐसा किसने कहा? चर्च में औरत ही बात करती है, तू नहीं जानता। एंड्रयू मेरा बेटा है, वो एक मछुआरे का बेटा है, इसी किनारे पे पैदा हुआ। ये क्या, अगर तू समुंदर पे हक जता सकता है तो क्या मेरा बेटा समुंदर पे हक नहीं जता सकता? ठीक कहा, मैंने इसको पाल पोस के बड़ा किया, इसके अलावा मेरा कोई वारिस नहीं है, इसे मच्छी पकड़ने से कोई इनकार नहीं। अगर इसके माँ बाप मछुआरे नहीं थे तो मुझे एक सबूत ला करके दो, मैं इसे यहाँ से भेज दूंगा, ऐसा मैं वादा करता हूँ। सब लोगों ने सुना, सुना ना, एंड्रयू के माँ बाप मछुआरे नहीं है, ऐसा सबूत लाकर आप लोग चर्च में दीजिए। मैंने अपने हाथों से एंड्रयू को अपनाया है, वो हमारे बीच का ही है, वो समुद्र में जा सकता है। वो जाएगा लेकिन हमारी बोट से नहीं जाएगा। एक बात याद रखना, हमारे एरिया में दूसरे की बोट नहीं आएगी, ठीक है ना? मुझे किसी के बोट की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बोट खुद खरीद लूंगा। एंड्रू, तू जानता है एक बोट कितने में आती है? ए, चाहे उसकी कीमत 10 लाख क्यों ना हो, लेकिन मैं अपनी बोट खरीद कर दिखाऊंगा और उस पर अपने बाप का नाम नेल्सन लिख कर इसे समंदर में चलाऊंगा। एंड्रू, ये मैं क्या सुन रही हूं? एंड्रू, तू ठीक बोल रहा है। सुनो, एंड्रयू खुद की बोट खरीद कर समुद्र में मछली पकड़ सकता है, ये मेरा आखिरी फैसला है और मुझे उम्मीद है कि आपको यह फैसला मंजूर होगा। अब आप लोग जाइए यहाँ से, जाइए जाइए, चलिए। प्रभु हम सब के लिए हैं, हम सब की रक्षा करते हैं, आमीन। आमीन। चलो बेटा आ जाओ। नासिर भाई, एक छोटी मदद चाहिए, आपके भाई उस्मान गनी से मिलना है। मैंने तुझसे पहले भी कहा था ना यहाँ मत आना, फिर यहाँ पर क्यों आया? चल निकल यहाँ से, चल जा। मैं पहले जैसा नहीं रह रहा सिर्फ, मैं पीता भी नहीं हूँ। चल निकल। भाई भाई मेरा भरोसा करो भाई, भाई मैंने शराब छोड़ दिया भाई, चल जा यहाँ से। भाई मैंने सच में शराब छोड़ दिया भाई, भाई मेरी बात तो सुनो। मिस्टर एंड्रयू जरा सुनिए, लोगों के सामने तो बोट खरीदने की बात कर दी, कैसे खरीदोगे? अगर मैं सच कहता हूँ तो मेरी बात कोई मानता नहीं, कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता, पता नहीं कैसे यकीन दिलाऊं लोगों को, कितनी तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। हो सकता है अगर कोई बड़ा आदमी मेरी जमानत दे देगा तो मैं किश्तों में बोट खरीद लूंगा। चिंता मत करो,
ऊपर वाला हमेशा सही का साथ देता है। शाम को दुकान पर आ जाना। ठीक है भाईजान। नमस्ते भाई। क्या बात है नेल्सन, यहाँ क्यों खड़ा है? भाई मेरा बेटा आजकल सुधर गया है, किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। उस दिन मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की, उसको भूल करके आप मेरी मदद करो, उसको एक नाव दे दो। अगर उसने ठीक से काम नहीं किया तो मैं आपका उधार कैसे भी करके चुका दूंगा, ये मेरा वादा रहा। अगर रात है तो समझो दिन भी है। दारू पीने के लिए भीख मांग रहा था, अब मेहनत करने के लिए भी भीख मांगनी पड़ रही है। आगे बढ़ने के लिए मेरा बेटा कोशिश कर रहा है, हमें उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। उसके भविष्य के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्यों ना हम ये घर बेचकर उसे बोट खरीद कर दें? ये एक ही घर बचा है, इसको बेचने के लिए बोल रही है। उसको बोल उस्मान भाई से जाके मिलने के लिए। मेरा नाम मत लेना, अपनी तरफ से तू बोल। नासिर भाई, मुझे आपके भाई से मिलना है। ए, तेरी एक बार में समझ में नहीं आता क्या? फिर मारूं तेरे को, चल निकल यहाँ से। ए नासिर। क्या? हाँ भाई। आने दे उसे। क्या कहा? अंदर भेजो उसे। ए, चल अंदर जा। मैं आपको परेशान करने नहीं आया हूँ और ना ही पैसे मांगने आया हूँ, आपसे एक मदद चाहिए भाई। मदद करने के लिए दुकान थोड़ी खोल रखी है मैंने। अगर पैसे देकर आप धंधा करने वाले होते तो मैं आपसे मदद नहीं मांगता। आप ईमानदार हो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे एक बोट दे दो भाई। बोट खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, किश्तें भी भर दूंगा। ठीक है बैठो। सुनो ना सिर। हाँ भाई। एंट्री के लिए एक चाय बोल। क्या भाई? जा रहे, जाकर एक चाय बोल। पहले 20,000 भरो, बोट ले लो, उसके बाद किश्तें भरना। मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा, सच कहता हूँ उस्मान भाई, आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। पैसा कब भरने वाले हो? काम पे ध्यान दो। ए सुनो, इस बोट को एंड्रयू के नाम पर रजिस्टर कर दो। एंड्रयू भाई, तुम्हारे लिए चाय बन रही है, पीकर जाना, बैठ जाओ। कोपा कोपा मच्छी 900 रुपया टोकरे का माल 300 रुपए में। 400 रुपया? 400 रुपया? 400? कोई और बोलेगा 300 रुपया? 450 रुपया? 400? पिछली बार उसने मुझे मारा था, मैं नहीं आऊंगा। अरे क्यों डर रहा है यार, मैं हूं ना। चल। ये लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? हम भी मच्छी की टोकरी उठाएंगे, पैसे कम दोगे तो चलेगा। ए, तुझे यहाँ आने के लिए मना किया था ना, जा यहाँ से। भाई समंदर में जाने से मना करते हो और अब काम करने से भी हमें मना कर दोगे क्या? तेरी बकवास हमें नहीं सुननी है, जा निकल। भाई मैं आपसे कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ, काम के लिए पूछ रहा हूँ। चलो जाने दो, काम पे लगा देते हैं, ये सब गाड़ी में लोड करो। मैंने कहा था ना ये अच्छा आदमी है। एंड्रयू, मछली में बहुत वजन होता है यार, इतने वजन के साथ वो पानी में कैसे रहती है? ए, पानी में तैरते तैरते वजन कम हो गया है। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? अगर सारी मछलियों को हम एक बड़े बर्तन में ले जाएंगे तो वजन कम लगेगा ना। तेरी तो अरे मैं सही बोल साहब जी। नमस्कार। अरे आओ जोसेफ भारती कवि महोदय, कैसे हो? ठीक हूँ साहब जी। सुना है कि तुम मछुआरे लड़कों को साथ मिलकर बहुत दारू पीते हो। कसम से मैं सुधर गया हूँ साहब जी। डिपार्टमेंट ने तुम्हारे ऊपर एक्शन लिया है। वो क्या है? सोलापुर में जेंट्स हाई स्कूल में तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया है, समझे? साहब जी अगर ट्रांसफर की ही बात है तो मेरा ट्रांसफर लेडीज स्कूल में कर देंगे तो अच्छा होगा। वो क्यों? लड़कों से मेरी जमती नहीं है ना साहब जी, अगर मैं उनसे दोस्ती कर लूँ तो तुरंत मुझे पीने के लिए ले जाएंगे, और अब तो मैंने पीना भी छोड़ दिया है, अब मैं दोबारा पीना नहीं चाहता साहब जी। जोसेफ भारती मेरी बात को गलत मत समझना, जिसमें डिसिप्लिन ना हो टीचर नहीं होता। एक काम करो, VRS ले लो, घर में बैठ के आराम से पीते रहना। साहब जी मैं VRS लेना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि रिटायरमेंट तक काम करूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए साहब जी। जैसी तुम्हारी मर्जी, सोलापुर जा रहे हो संभल के रहना, वहाँ भी ऐसी हरकत मत करना वरना नौकरी भी जा सकती तुम्हारी। साहब जी आप विश्वास कीजिए मैं कुछ गलत नहीं करूँगा। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। जाओ जोसेफ, अगर मौका मिले तो आना यहाँ। अच्छी बात है सर। हाँ ठीक है, वो ऑर्डर वहाँ जाके ले लो जी। अरे सुना, बीच समंदर में दो लोगों को फिर से गोली मार दी। आजकल ऐसे समाचार कोई भी नहीं पढ़ता है।
बारिश की तरह कोई ध्यान नहीं देता है, समझ रहे हो ना तुम लोग? साधारण समंदर नहीं है ये, हमेशा मछली देने वाली फसल है ये, कितनी भी निकालो कम नहीं होंगी। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में 6 महीने में एक बार बर्फ बन जाएगी, इसीलिए वो लोग जहाज में यहाँ तक आकर मछली पकड़ कर जाते हैं, ये बात कितने लोग जानते हैं? बाकी बची हुई मछलियाँ हम लोग पकड़ते हैं। इस सब चक्कर में मासूम भी मर रहे हैं, जिंदा मछली चाहिए, लेकिन हम मुसीबत में होते हैं, कोई हमारा साथ नहीं देता है। मीडिया वाले भी एक हिंदुस्तानी मछुआरा गोली से मर गया ऐसा नहीं लिखते हैं, बल्कि वो न्यूज बनाकर मैटर को छिपा देते हैं। जब विदेशी लोग मछली पकड़ते हैं तो हमारी सरकार उन्हें प्रोटेक्शन देती है, ये प्रोटेक्शन हमारे देश के नागरिकों के लिए क्यों नहीं है? सीमा पार करके आने वाले जो लोग स्मगलर हैं या अपनी रोजी रोटी के लिए आए हुए मछुआरे हैं, ये बात वो लोग नहीं जानते हैं क्या? क्या साहब, मैंने ठीक कहा ना? भाई मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ ना, ये सब बातें मैं नहीं कर सकता, पुलिस स्टेशन में बहुत काम है, चलता। अरे बैठिए ना साहब, कैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है आप? ये वो और मैं, हम सभी जो टैक्स भर रहे हैं उसी से आपको पगार मिलती है, आपको भी मजदूरों का साथ देना चाहिए साहब। अरे ये सब बातें बताने से कोई फायदा नहीं है, अगर ये लोग समझदार होते ना तो अपना संगठन बनाकर काम करते और मजदूरी बढ़वा चुके होते। अरे साहब आप गलत मत समझना, क्या उस्मान भाई, चाय पीनी है चाय पीजिए, पेपर पढ़ना है पेपर भी पढ़िए, लेकिन इस तरह से राजनीति करके मेरे धंधे की वाट तो मत लगाइए। अरे जाओ। ए, काम खत्म हुआ कि नहीं? अपनी मजदूरी लो और भाई जाओ। हमें मजदूरी नहीं चाहिए, मजदूरी के बदले एक टोकरी मछली दे दो ना। तेरी मजदूरी एक टोकरी मछली है? अच्छे से मच्छी खाए हुए बहुत दिन हो गए मालिक। क्या बात करता है, ठीक है लेके जा, जा चली मछली खाएगा। ए, बची मछली का क्या करेगा? सुखा कर अगले दिन के लिए रख लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। इसका हम क्या करेंगे यार? अबे ये मच्छी पकड़ने वाले और खाने वाले से ज्यादा जो बीच में खरीद कर बेचते हैं ना, वही अमीर बनते हैं। हम भी बहुत पैसे कमाएंगे, अब चुपचाप चलिए यहाँ से। ठीक है शॉर्टकट से चलते हैं यार। मछली ले लो, मछली ले लो, मछली से दिया भाई, मार्केट के दाम से तो 10 रुपए कम है। अरे ले लो अंकल, इसी दाम पे रोज सप्लाई कर देंगे। ठीक है, मछली तो अच्छी है ना, ऐसी ही मछली रोज ला कर दिया करो। मछलियाँ अंदर ले जाकर रख दो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, शुक्रवार के दिन से आगे आने वाले 45 दिनों तक हर साल की तरह इस साल भी किसी को मछली पकड़ने के लिए समुन्द्र में जाने की इजाजत नहीं है। ये सीजन दरअसल मछलियों के ज्यादा पैदा करने का सीजन होता है, इसलिए सरकार ने चेतावनी जारी की है कि 45 दिनों तक कोई भी मछली पकड़ने के लिए नहीं जाएगा। अरे यार अब हम क्या करेंगे, बोर्ड का पहली किश्त भी तो भरनी है। देखिए यार मेरे पास एक आइडिया है, इस वक्त धंधा वैसे भी डाउन है तो क्यों ना हम लोग जाकर पत्ते खेलते हैं, पत्ते खेलेंगे पैसे जीतेंगे और फिर एक बड़ी बोर्ड खरीद लेंगे। ए, पागलों जैसी बातें मत कर, जुआ खेलने के लिए भी पैसा चाहिए, चाहे तो तुझे रखकर खेलूं क्या? तू भी ना ज्यादा सोचा मत कर, जोकर के बिना गेम भी अधूरा है, वैसे भी तू पत्ते फेंकने में बहुत अच्छा है। पहले से लोग मुझे बेवड़े के नाम से जानते हैं, जुआरी के नाम से जानने लगेंगे। नाम की फिक्र मत कर, अगर पैसे कमा लिया ना तो नाम तो ऐसे ही कमा लेगा तू, पैसा कैसे कमाया वो मैटर नहीं करता, पैसा मैटर करता है। तेरे से तो दोस्ती ही नहीं करनी चाहिए, उसी दिन मेरी माँ ने बोला था तेरा साथ छोड़ दूंगा तो मैं सुधर जाऊंगा। एंड्रू मैं तो मजाक कर रहा था यार, सुन दो। अरे मेरी बात सुन। ए नैंसी आ रही, देख। ठीक है मैं देखता हूँ तुझे। से भी तो बात करके जा सकते थे ना। अरे नहीं मैं तो खुद ही मजदूरी के लिए जा रहा हूँ, बताने से तुझे ठेस पहुंचती इसलिए। मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ है भी नहीं। एंड्रू बस आ गई यार। अगले बस में जाते हैं ना यार, ये आखिरी बस है यार, जल्दी आना। ठीक है नैंसी। स्टॉप स्टॉप, अपना ख्याल रखना। रुको, जाके आता हूं। रुको, चल 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 जल्दी 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 कर जल्दी कर। अरे यार इस तरह नैंसी को छोड़कर जाना मेरा मन नहीं मानता। मानेगा भी क्यों, उसने जो तेरे सर पे पचाक से किस दिया ना, उसके बाद तुझे नींद भी नहीं आएगी, समझा? ए तेरा ये पागलपन अब यहां मत दिखाना, ये नई जगह है क्या, सुन रहा है ना? हाँ सुन रहा हूँ। और कितनी दूर चलना है मुझे, और यहाँ पर कौन है हमें काम देने वाला? अब मैं चल नहीं सकता, बहुत भूख लग रही है और बहुत प्यास भी लग रही है, कुछ खाना है यार। एंड्रयू ठीक से आ गए ना? जानता है कौन है? मेरा दोस्त है,
हम हॉस्पिटल में मिले थे। हाँ इन्हें मैं जानता हूँ यार, ये हमारे अड्डे पर दारू पीने आया करते थे। अब ये सुधर गया। छोड़ दी दोस्त। ये जॉनी है, मेरे ही गांव का है, इसके पापा की चाय की दुकान। मेरा इंटरेस्ट ने पूछा है क्या? आओ मालिक से मिलवाता हूँ। मालिक मैंने बताया था ना मेरे दोस्त वो लोग। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। जरा उस्ताद को बुला लाओ। तुम लोग रुको मैं आता हूँ। सुनो बहन। जी भैया आपने बुलाया। जरा कॉफी बना कर ले आओ। कॉफी पीने की आदत नहीं है मुझे। अरे कॉफी मुझे पीनी है, तू बैठ उधर। अरे देख के बैठ। क्या बात है मालिक? ए छोटू, मालिक ने उस्ताद को बुलाया था। ए, यही है उस्ताद। यहाँ पर पहले से इतने ज्यादा लोग हैं। ये लोग नए हैं, इन्हें लेकर जाओ और कुछ काम बताओ। ए, चलो जाओ जाओ। नमक की फैक्ट्री में काम करना उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था, पर फिर भी उन्होंने बहुत मेहनत की क्योंकि उन्हें नई बोट खरीदनी थी और लोगों को किया हुआ वादा जो निभाना। नमस्ते मालिक। हाँ हाँ, और काम धाम कैसा चल रहा है? भाई तुम लोग तो मछली पकड़ने वाले लोग हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग यहाँ कैसे आ गए। अगले 45 दिन तक हम मछली नहीं पकड़ सकते हैं। अरे भाई मेरा वो मतलब नहीं है, नमक की क्यारियों में काम करना मछली पकड़ने जितना आसान नहीं है। धूप में नमक बहुत तेज चमकता है जिससे आंखों की रोशनी भी जा सकती है। यहाँ मजबूत शरीर और तेज आंखों वाले ही काम कर तो सकते हैं। ये लोग कैसे काम करते हैं? अरे इन लोगों की आदत हो गई है। हमें भी आदत हो जाएगी मालिक। इसका मतलब तुम फैसला करके आए हो। ठीक है ठीक है। ये लो दवा लगा लो। वहाँ नमक फैक्ट्री की मालिक की बहन इन्हें चाहने लगी थी। मुझसे कई ज्यादा गुना अच्छी लड़की थी वो। अगर ये चाहते तो उस लड़की से भी शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो मुझसे सच्चा प्यार करते थे। कौन है वो लड़की? ए पलट कर मत देख। एंड्रू की मंगेतर है भाईजान। ऐसा है क्या? हाँ भाई। जब बुला। ए लड़की यहाँ आओ। अरे आओ ना। ए एंड्रू की बोर्ड को तैयार करने में देर क्यों हो रही है? सुनो नासिर, इसकी पेंटिंग का काम कब शुरू होगा? अरे ठीक से काम करो। बहुत अच्छा लड़का है, इस बोर्ड को सजाकर उसे देनी है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। खेल दे। कौन हो तुम? ये जरा ठीक कर दे इधर। तो मैं भी बोर्ड बनवानी है क्या? तो यहाँ क्या कर रही हो? जाओ। सुनो एंड्रयू, गांव जाने के बाद मुझे भूल जाओगे ना? मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ? मैं आपसे एक बात पूछूं क्या? ये साड़ी कितने की है? क्यों, पसंद है क्या? नहीं, आप बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनती हैं, तो ऐसी ही साड़ी मैं अपनी होने वाली बेबी के लिए खरीदना चाहता हूँ, इसलिए मैंने पूछा। मेरे ही गांव की है, नाम है नैन्सी। आपसे एक दिन मिलवाऊंगा। हाँ देख एंड्रू, वो हमारे मालिक की बहन है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना तू। हम यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आए हैं, तू ये बात कभी भूलना मत एंड्रयू। उस लड़की से बात मत कर। अरे नहीं रे बाबा, वो लड़की मुझे चाहती है, चाहने वाली से कैसे बोल दूँ कि तुम मेरी बहन की तरह हो? ऐसे तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी ना, मेरे प्यार के बारे में जानने के बाद तो वो खुद ही मुझे भूल जाएगी। ज्यादा इंसानियत अच्छी नहीं होती, थोड़ा दिमाग से काम कर, कभी बुरा भी बोल लिया कर, मेरी बात को गांठ बांध ले। चल जा। अरे उस्ताद नमस्ते। डरा दिया इन्होंने तो। भैया लीजिए। मालिक आपने मुझे बुलाया? मालिक तू तो बड़ा अच्छा लड़का लगता है, यहाँ आकर तकलीफ क्यों झेल रहा है? दरअसल मुझे बड़ी बोट खरीद कर उस पे पिताजी का नाम लिखना है, और ऐसा मैंने सबसे वादा भी किया है। अब मुझे पहली किस्त भरनी है, तो 2 महीने में पैसा इकट्ठा हो जाएगा। मैं कुछ करूं तो तुझे मंजूर होगा? गरीबों का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ता, ऐसा मेरी होने वाली बीवी बोलती है, और यही सच है। ये मैं जानती हूं। सही है, सच को मानने वाले कभी नहीं हारते, तू कामयाब जरूर होगा। सुनो एंड्रयू, ये लो, तुम्हारी एक बात मुझे बहुत पसंद आई है,
जिसे तुम चाहते हो उसे तुम कभी धोखा नहीं दोगे। और उस दिन इस साड़ी के बारे में तुम पूछ रहे थे ना, वैसे ही नई साड़ी खरीद के लाई हूँ। नैन्सी से कहना ये साड़ी मेरी तरफ से है। ठीक है, चलता हूँ। संभल कर जाना। चल भाई चले। हाँ चल। देखो भाई आ गया तुम्हारा बेटा। ए, हाँ? इतने दिन से कहाँ था? मछली पकड़ने गए थे। मछली पकड़ने? और तू? वो भी समंदर में? हर वक्त मुझे अब ताना मत मारा करो पापा, मुझे अच्छा नहीं लगता। गलत मत समझ, तू भी मेरे साथ चाय वाला बन जाएगा ये सोचकर डर रहा था मैं। ए मछली कहाँ है मेरे बेटे? अरे बाप रे। तेरी तो आज भाई करूंगा, तेरी छोड़ूंगा नहीं मैं। पैसा छोड़ो, ये लो तेरी बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन। तेरे पिताजी की वजह से ही मैंने बिना पैसे लिए इस बोर्ड को तैयार किया था। मेरे पिताजी ने? ये कब हुआ? ओ तेरे आने से पहले ही तेरे पिताजी मेरे पास आए थे। तू अपनी वोट को कभी भी ले जा सकता है, जा। माँ कहाँ रह गया तू? खाना लगाओ। पिताजी आज के बाद आपको काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मजदूरी करने की। अब हमने खुद की बोट खरीद ली है पिताजी, ये लीजिए। ले लो जी। नेल्सन, अपनी बोट को कब ले जाने वाले हो? मुझे दूसरी बोट भी बनानी है। चलो चलो साथ में चलते हैं। आजा आजा, सब धक्का मारेंगे मिलके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस शुभ दिन पर प्रभु का आशीर्वाद हमेशा सबके ऊपर बना रहे, आमीन।
तू जीत गया, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी की शादी तुझसे करवाने के लिए मैं तैयार हूँ। किसी भी हालात में मेरी बेटी की आंखों से आंसू मत आने देना। अब से वो अनाथ नहीं है। सुनो नैंसी, तुम दोनों में तो बहुत प्यार था, फिर तुमने अपने पति का खून क्यों किया? हमारी शादी को करीब 2 साल गुजर चुके थे, सेवियो का जन्म भी हो चुका था। उनका प्यार मेरे लिए और बढ़ चुका था। वो बिल्कुल वैसे ही प्यार करते थे जैसे हमारी नई नई शादी हुई हो। मिस्टर एंड्रयू छोड़ दीजिए। मिस्टर एंड्रयू कहकर मत पुकारो, ऐसा लगता है कि सिस्टर एंड्रयू कहकर पुकार रही हो। ऐसा है क्या? अच्छा तुम्हें कुछ याद है, मैंने 25,000 मांगे थे। ए, जब देखो पैसे की बात करती रहती हो। एक ही तो लड़का पैदा हुआ है, जब लड़की पैदा होगी उसके बाद देख लेंगे। चाहिए अपने आप हो जाएगी क्या? अपने आप कैसे होगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो होगी ना। मेरी बात सुनो मिस्टर एंड्रयू, लोग भी तुम्हें मिस्टर एंड्रयू कहेंगे। क्रिसमस में तुम चर्च कमेटी के मेंबर बन जाओ। मैं चाहती हूँ तुम गांव के बड़े आदमी बनो, इसीलिए मैंने 25,000 रुपए मांगे थे। बड़ा आदमी बनने की बात में देखेंगे, फिलहाल तो मेरी तुम भूख मिटा दो। अभी तो खाना खाया था ना, जब देखो तब भूख की बात करते रहते हो। चलो काम के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे साथ वक्त गुजरना ही तो काम है, जरा समझा करो। नहीं समझना, छोड़ो मुझे। ये पेड़ देखता हूँ ना तो मुझे नागिन की याद आने लगती है। नागिन ही हूँ, दस लूंगी। मेरी बात मानो ना, चर्च कमेटी के मेंबर बन जाओ, उससे तुम गांव का हिस्सा बन जाओगे। राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दो, कहीं गांव वालों ने कह दिया कि तुम उस गांव के ही नहीं। ए, तो सात समंदर पार भी जाऊंगा तो भी मैं इस गांव में वापस आऊंगा, इसी मिट्टी में हमारा वंश खेलेगा, तुम डरो मत। ठीक है, लेकिन मैंने जो मांगा वो याद रखना। चुम्मा दो ना। 25,000 रुपए समंदर में जाकर मछली पकड़ कर लाऊंगा तो उसका भी इंतजाम हो जाएगा, लेकिन हमें जो लड़की चाहिए ना वो मेरे घर में रहने से ही तो पैदा होगी ना। घर पर रहोगे तो कमाओगे कैसे? ए, मैंने ऐसे ही कह दिया, चलो ना। कैसी बातें कर रहे हो मुझसे? यार तुम हमेशा ऐसी क्यों बोलती रहती हो? बच्चा जाग जाएगा, अब जाओ, रात में देख लेंगे। रात में? सुबह जैसा रात में मजा नहीं होता। तुम इतनी सी भी बात नहीं जानती नैंसी। मैं सब जानती हूँ, अब तुम जाओ, जाकर काम करो। उस दिन पता नहीं क्यों समंदर में जाते जाते वो पलट पलट कर मुझे देख रहे थे। उनका हंसता हुआ चेहरा आज भी मेरी आंखों में जिंदा है। सुनो एंड्रयू। बोलो संतोष भाई। मछली पकड़ने जा रहे हो? हाँ भाई। लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है, देख रहे हो ना? ठीक है भाई, जाओ। हाँ। अरे भाई, मेरे बेटे को कहीं देखा क्या? मैंने तो नहीं देखा, तुमने देखा क्या? देखा नहीं, आज मैं समंदर में नहीं गया ना। ए, तूने कहीं एंड्रयू को देखा है क्या? अरे बीच समंदर में गया होगा वो। आ, अच्छा, आ जाएगा। अच्छा, चिंता क्यों करते हो? किनारे में पूरा ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं मिला, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चलो ना हम सब ढूंढते हैं। क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा है? सब लोग कह रहे हैं कि समंदर में तूफान आया था। तुम लोग चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। सुन तो, सुनिए। नैंसी,
कहां पे हो तुम एंड्रयू? बेटा कहां पे हो तुम? भगवान ये क्या हो गया, क्या हो गया बेटा मुझे? इस घर में उसकी किलकारियां गूंजती थी, बाहर किसी को मत बताओ। हम इसे घर में ही दफना देंगे। मेरा बेटा अपने ही घर में कैद रहेगा। भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे एंड्रू को मुझसे छीन लिया। मेरे भी जान ले लो भगवान, मैं इसके बिना नहीं जी सकती, मैं नहीं जी सकती। इसने इस परिवार के लिए कितनी मेहनत की, अब इसे इस घर से बाहर नहीं जाने देंगे, इस घर में ही दफना देंगे। अगर पुलिस वालों को पता चल गया तो इसको ले जाएंगे, समुंदर में गोली मार दी, इसका चीर फाड़ करेंगे वो लोग, वो लोग कोर्ट कचहरी का धक्का खाने पे मजबूर कर देंगे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, बाहर किसी को मत बता। मेरा बेटा हमारे साथ ही रहेगा, मैं इसे यहीं दफन कर दूंगा। नंसी चिल्लाओ मत, कोई सुन लेगा। चुप हो जाओ। भगवान जोर से रोना भी हमारी किस्मत में नहीं है। तुमने कहा एंड्रयू का खून तुमने किया है, ऐसा झूठ तुमने क्यों बोला? मैंने ही उनका खून किया है, मेरी वजह से वो समुद्र में गए थे, मैंने ही उसे मछुआरा बनाकर उसे मार डाला। गोली भले ही उन्होंने मारी पर उसकी असली खूनी मैं हूं। अच्छा ये बताओ
मौत के बारे में सरकार को क्यों नहीं बताया तुमने? सरकार को बता दे, क्या कर दी बताकर? आप क्या कर लोगे? मेरे पति जैसे हजारों मछुआरों पर हजारों बार गोलीबारी हो चुकी है, तब सरकार कहाँ थी? हम लोग आपके जैसे पढ़े लिखे तो नहीं, इसलिए आप लोगों को देखकर डरते हैं। मछुआरे इस देश में अनाथ के जैसे जीते। मेरा पति हमारा इकलौता सहारा था, वो भी हमसे छीन गए। मेरा बच्चा अनाथ हो गया और इसीलिए मैंने उसे हमारे घर में ही गाड़ दिया। माँ मुझे माफ कर दो माँ, मैंने गलत किया माँ, मुझे घर नहीं बेचना। जिस घर में तेरा बाप नहीं है वहां मैं भी नहीं, अब मैं उस घर को तेरे हवाले करती हूँ। नैन्सी रुक जाओ, तुम्हारी गलती को कोर्ट ने माफ कर दिया है, तुम्हारा पति तो अब मर चुका है, तो समुन्दर के किनारे किसका इंतजार करती हो? सिर्फ उनका बदन किनारे तक पहुंचा है, उनकी जान हमेशा मेरे साथ रहेगी।